कल तक अपन ने SA520 तक कर चुका है, आज अपन क्या करेंगे स्टार्ट SA530 ऑडिट सैम्पलिंग। SA530 ऑडिट सैम्पलिंग स्टार्ट करना अपने को। 520 तक अपना प्रॉपरली कंप्लीट अच्छे से हो चुका है। 530 अपन स्टार्ट करें आज ऑडिट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग पता है तुम लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी ऑडिट। इफ यू आर ऑडिटिंग एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट 100% चेक एनी सिंगल लाइन आइटम FSLI, तो उस केस में सैम्पलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है कि किस कैसे तुम क्या सैंपल लगा के अपनी सैम्पलिंग प्रोसीजर लगा के कैसे तुम अपना ओपिनियन देते हो ऑडिट रिपोर्ट, यानी अपना ऑडिट ओपिनियन देते हो ऑडिट रिपोर्ट में ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट सैम्पलिंग दिस SA530 अप्लाइज व्हेन द ऑडिटर डिसाइड कर लिया कि उसको ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिट सैम्पलिंग लगानी है। इट डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। अपन देखेंगे स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है। स्टेटिस्टिकल मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हो रही हो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी तुम लोग को याद होगा कि कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो रही है अगर कि उसकी चांसेस है आने की, अगर अपन को वो निकाल सकते हैं जिसके चांसेस सिमिलर प्रोबेबिलिटी सबकी है तो स्टेटिस्टिकल बोलते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी तुम नहीं निकाल सकते कि चांसेस क्या है इसकी, मतलब सिग्निफिकेंट, या फिर मैं बोलूँ तू कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी वहां पे अप्लाई नहीं हो सकती, मतलब तुम बोल नहीं सकते कि इसकी हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी है कंफर्म कंफर्म, तो वो तुम्हारी हो जाती है नॉन स्टेटिस्टिकल। ये साइंटिफिक वे तुम्हारा समझ लो, एंड नॉन स्टेटिस्टिकल इज नॉन साइंटिफिक वे। परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल जो भी तुम कर रहे हो और ये इसका तुम रिजल्ट कर रहे हो बाय सैम्पलिंग। मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी अपन ने देखा था, मैंने बताया था कंट्रोल टेस्टिंग जो अपन ने करना है कंप्लायंस प्रोसीजर में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इज ऑल्सो वॉट दैट इज ऑल्सो अ मिनी काइंड ऑफ ऑडिट, मिनी ऑडिट टाइप का ही है समझो, कि भाई ये कंट्रोल्स है तो हमको चेक करने की हाँ वो कंट्रोल्स वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, तो अपन को पूरा मंगवाना पड़ेगा ना कि परचेज ऑर्डर दो हमको, परचेज ऑर्डर में समझेंगे कि किसने रिव्यू किया, परचेज ऑर्डर को अप्रूव किसने किया, परचेज ऑर्डर में जो क्वांटिटी है वही PR में जो थी वही है कि नहीं, यहाँ पे PO की क्वांटिटी और इनवॉइस वगैरह चेक करना, अप्रूव करना, ये सब PO में मिनिमम 3 कोटेशन थे कि नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मिनिमम 3 कोटेशन होने चाहिए, उसमें भी सबसे लोएस्ट कोटेशन तुमको एक्सेप्ट करवाना है, और लोएस्ट नहीं कर रहे हो अगर मिड वाला कर रहे हो या हायर वाला कर रहे हो तो रीजन होना चाहिए प्रॉपर। तो ये सारे क्या है कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स को चेक करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट ही करनी पड़ेगी प्रॉपरली। तो तुम कंट्रोल्स देख रहे हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी यहाँ पे मैं सैंपल बेसिस में बुलवा सकता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, और उसी में मैं चेक कर लूंगा कि कंट्रोल प्रॉपरली इफेक्टिवली कैरी आउट हो रहे कि नहीं। इसलिए मैंने अपन ने देखा भी था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। SA330 में था क्वेश्चन कि ऐसे मैटर्स बताओ जो अफेक्ट करेंगे तुम्हारे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऐसे बताओ जो ऐसे मैटर बताओ जो अफेक्ट करेंगे तुम्हारे एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कितने एक्सटेंट तक तुमको जाना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए। याद होगा अगर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे को कितना ज्यादा करना है, मतलब कितना ज्यादा मैं सैंपल लूँ, कितना कम लूँ, या कितने एक्सटेंट तक कितना डिटेल में जाके मुझे कंट्रोल की टेस्टिंग करनी है, तो ऐसे कौन से मैटर है जो अफेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल क्या है कि वो कंट्रोल एक साल में एक बार होता है ऑपरेट, एक साल में दो बार होता है, सेमी एनुअल कंट्रोल है या क्वार्टरली कंट्रोल है तो चार बार होता होगा। वैसे तुमको समझना पड़ेगा अगर चार बार होता है या दो बार है या एक बार है, चारों ही केस में अपन एक एक सैंपल उठा लेते हैं कि चारों में से एक दे दे कोई, दो में से कोई एक दे दे या एक का एक दे दे, पूरा का पूरा चेकिंग करने के लिए कि कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल में भी सैम्पलिंग यूज होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी सैम्पलिंग ऑफकोर्स यूज होगा ही होगा। डिटेल में चेकिंग मतलब ऐसा थोड़ी ना कि सारे एक एक वाउचर सारे 100% ट्रांजेक्शन चेकिंग करना, अपन को कोई भी एक ट्रांजेक्शन ले रहे तो उसका पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक इन डेप्थ चेकिंग बोलते हैं जिसको अपन, वो करना है टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड। मतलब जिसके जिस पॉपुलेशन से तुमने सैंपल उठाया है वो सैंपल की जब तुम ऑडिट कर रहे हो तो तुम अपना प्रॉपर ओपिनियन दे पा रहे हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है एज एन ऑडिटर कि हम रीजनेबल अपना बेसिस दे पाए ऑडिटर को कि वो प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, मॉडिफाइड देना तो मॉडिफाइड ड्रॉ कर रहा है, और अगर उसको अनमॉडिफाइड देना तो ही इज हैविंग रीजनेबल बेसिस फॉर फॉर्मिंग हीज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग डन। This is what the objective is of SA530. Meaning में आ जाओ, audit sampling का meaning क्या है? Sampling का मतलब कुछ नहीं, तुमको 100% of items पे apply नहीं करनी audit procedure. अगर मैं audit procedure 100% items में करूँ, that is overall total population पे अगर मैं audit procedure करने जाऊँ तो मेरे को जन्मों बीत सकते हैं, हो सकता है मैं पूरा audit complete ही ना कर पाऊँ given time period में। इसलिए sampling क्या है, less than 100% of item, total जितना भी population है उसका less than 100% of item audit relevance such that all sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population. मतलब कि अगर मैं sampling
सैंपल के ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहा हूँ या ऑडिट ओपिनियन बना रहा हूँ कुछ अपना ओपिनियन या फॉर्म जो भी हो, मैं अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, देन डेट शुड रिप्रेजेंट इंटायर पॉपुलेशन। ऐसा नहीं होगा कि सैंपल के बेसिस में ओपिनियन ये बन रहा है और अगर मैं पूरा का पूरा पॉपुलेशन चेक करता तो कुछ और ओपिनियन बनता। तो डेट सैंपल इज सैम्पलिंग इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम, लेस देन 100% ऑफ आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, सो डेट यू आर एबल टू फॉर्म योर ओपिनियन ऑन द सैंपल, सो डेट इट कैन इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल। जो तुमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है अगर वो पॉपुलेशन पूरा का पूरा एज अ होल भी चेक करते तो सेम कंक्लूजन आता। पॉपुलेशन मतलब 100% ऑफ आइटम हो गया, सैम्पलिंग यूनिट मतलब उसी में से कोई एक पॉपुलेशन के अंदर में से कोई एक आइटम हो गया तुम्हारा सैम्पलिंग यूनिट। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोग को क्या हुआ। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में स्टेटिस्टिकल क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन तुम उठा रहे हो, मान लो कोई मटका है, मटके के अंदर से तुम चिट्ठियां उठाते जा रहे हो तो सारे चिट्ठियों की आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, हाँ ऑफ कोर्स है, रैंडम सिलेक्शन है ये, प्रोबेबिलिटी थोड़ी तुम लगा सकते हो यहाँ पे, मोर साइंटिफिक है मैंने ऑलरेडी बताया एंड वाइड एप्लीकेशन है इसीलिए इसका, इसको लैंग्वेज वाइज ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा कि भाई रैंडम सिलेक्शन है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में लगा सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगा रहा हूँ इसका मतलब कि ये साइंटिफिक है ज्यादा और साइंटिफिक है इसलिए मैं इसका वाइडली एप्लीकेशन होता है, कोई भी साइंटिफिक चीज का वाइड एप्लीकेशन होता है। तो ये तुम्हारा हो गया रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी साइंटिफिक वे है एंड दैट इज वाई इट हैज वाइड एप्लीकेशन। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, ना तुम्हारा साइंटिफिक वे है ये। तो इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा नॉलेज के हिसाब से, मेरे को ये भाई मेरा नॉलेज के हिसाब से मैं क्या जानता हूँ कि मैनेजमेंट जनरली ना 1 तारीख का 1 अप्रैल 2000 स्टार्टिंग जो ईयर रहता है 1 अप्रैल का और 31 मार्च का कुछ ना कुछ घपला करती है, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरा नॉलेज के बेसिस में, तो मैं हमेशा इसको उठा लेता हूँ 1 अप्रैल और 31 मार्च के आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा। तो ये मेरे मेथड के हिसाब से मैं अपना जजमेंट लेता हूँ, प्रोफेशनल जजमेंट, कि मेरे एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मेरा नॉलेज क्या बोलता है और उस हिसाब से मैं सैम्पलिंग करता हूँ। दिस इज व्हाट नॉन स्टेटिस्टिकल, दिस इज प्योर प्योर व्हाट बेस्ड ऑन योर जजमेंट एंड नॉट ऑन एनी साइंटिफिक प्रोसीजर लाइक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, सिंप्लिसिटी है क्योंकि तुम अपने मन से उठा रहे हो कुछ भी सिंपल एकदम, इसलिए इसका वाइड एप्लीकेशन हुआ करता था। क्वेश्चन देखो मई 17 में क्या था, क्वेश्चन ये वाला, ऑडिटर शुड सिलेक्ट सैंपल आइटम इन सच अ वे दैट द सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन कमेंट। तो तुमको ये बताना ही है ये वाला चीज, ऑडिट सैंपलिंग क्या होती है, प्लस तुमको मीनिंग बताना पड़ेगा साथ साथ, टू वेज ऑफ ऑडिट सैंपलिंग बताना है, स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग। कमेंट करने बोल रहे कि तुम सैंपल कैसे सिलेक्ट करोगे, तो हम स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग भी कर सकते हैं सिलेक्ट करते टाइम और नॉन स्टेटिस्टिकल भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़ते अपन मीनिंग ऑफ सैंपलिंग रिस्क में आ जाओ। सैंपलिंग रिस्क बोले तो क्या हुआ, जैसे अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है वैसे ही तुम्हारा सैंपलिंग रिस्क भी होता है। सैंपलिंग रिस्क मतलब कि अगर मैं सैंपल के बेसिस पे अपना जो ऑडिट ओपिनियन ड्राफ्ट करूंगा, हो सकता है अगर मैं पॉपुलेशन के बेसिस पे करता, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को चेक करता तो कुछ और आता। सैंपलिंग रिस्क मतलब रिस्क फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग सैंपलिंग टेक्निक। जब मैं सैंपलिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे से कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स रह जाए, दैट इज कुछ मिसस्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड रह जाए, ये तुम्हारा सैंपलिंग रिस्क है कि तुम कुछ मिसस्टेटमेंट्स को अनडिटेक्टेड रह जाओगे रख दोगे और वो सारे जितने मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह गए वो सबको अगर अपन एग्रीगेट कर दे आइदर इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट करके दोनों ही बेसिस में अगर वो मटेरियल हो जाते हैं, उस केस में हो सकता है तुमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया होगा लेकिन तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन देना था। दिस इज वॉट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि मैंने ओपिनियन मॉडिफाइड देना था जबकि मैंने अनमॉडिफाइड दे दिया। सैंपलिंग रिस्क मतलब ये सैंपलिंग के कारण अगर हो रहा है तुम्हारा, दैट इज अगर सैंपल के कारण कोई मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जा रही है या जो भी रिस्क फैक्टर है जो तुमको दिमाग में रखना है, ये तुम्हारे सैंपलिंग रिस्क के कारण ही आते हैं। रिस्क फैक्टर इसी को अपन बोलते हैं क्या, सैंपलिंग रिस्क फैक्टर, इसको लिख सकते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं अपन इसको, सैंपलिंग रिस्क फैक्टर्स। सैंपलिंग रिस्क फैक्टर बोले तो फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग सैंपलिंग टेक्निक्स। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। जैसा मैंने ऑडिट किया है सैंपल पे, उठा उठा के एक एक को सैंपल को चेक किया है, वही अगर मैं 100% पॉपुलेशन को चेक करूं तो दोनों ही केस में अलग अलग ओपिनियन आएगा, एक में हो सकता है मॉडिफाइड है, एक में हो सकता है अनमॉडिफाइड आ रहा है, सैंपलिंग किया तो अनमॉडिफाइड आ रहा है जबकि पूरे पॉपुलेशन में देखा तो भर भर के मिसस्टेटमेंट थी। दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग के कारण जो रिस्क आ रहा है कि तुमसे अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट छूट सकता है, ये सैम्पलिंग रिस्क है। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप्स ऑफ एरेनस कंक्लूजन, ये जो रिस्क है ना सैम्पलिंग रिस्क फैक्टर बोलते हैं अपन इसको, इसके कारण दो टाइप के गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, एक
टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल में तुमने बोल दिया कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है, तुमने सैम्पलिंग किया और बोल दिया कि मिसस्टेटमेंट नहीं है लेकिन एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है, इसका मतलब तुम्हारा ऑडिट इफेक्टिव है कि अनइफेक्टिव है, ऑडिट इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है? ऑफ कोर्स इफेक्टिव ही नहीं, ऑडिट इफेक्टिव नहीं है ऑडिट, दैट इज तुमने जो ऑडिट ओपिनियन ड्राफ्ट किया है, ऑडिट ओपिनियन कंक्लूड किया है, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज रॉन्ग रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि ऑलरेडी मिसस्टेटमेंट मटीरियल है, यू शुड हैव मॉडिफाइड द ऑडिट रिपोर्ट, बट इन बिकॉज यू हैव डन द सैम्पलिंग यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट सम मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू विच यू हैव गिवन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। तो ऐसे ऐसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो तुमने परफॉर्म किया और तुम बोल रहे हो कि कंट्रोल इफेक्टिव है, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में तुम बोल रहे हो कि सब टनाटन सही है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि है, जबकि मिसस्टेटमेंट है, जबकि इफेक्टिव कंट्रोल्स नहीं है, इसका मतलब ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ एरेनस कंक्लूजन ओनली, बिकॉज इसमें क्या होगा, तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दोगे, तुम बोल रहे हो सब सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है। यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपन को ये सैम्पलिंग रिस्क बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्यों, अपन को गलत ओपिनियन नहीं देना चाहते अपन, क्योंकि अपने ऊपर बात आ जाएगी। नीचे वाला जो बात है ना, नीचे वाला, इसमें तुम ओपिनियन तो गलत नहीं दे रहे हो, ओपिनियन गलत नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या होगा, इसमें एफिशिएंसी हैम्पर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मेरे को पहले लगेगा कि मैं ना मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है एंटिटी में, इसके कारण मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दिया रहूंगा, और बाद में मेरे को पता चल रहा है कि उतनी ज्यादा मिसस्टेटमेंट थी ही नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पहले मैंने बोल दिया कि इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मेरे को बाद में पता चल रहा है कि कंट्रोल्स वर इफेक्टिव, इस केस में क्या होगा, मैं गलत सलत ओपिनियन दे दूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय सैम्पलिंग, तो मैनेजमेंट बोलेगा कोई मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, तुम काहे का मिसस्टेटमेंट निकाल रहे हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिसस्टेटमेंट नहीं है तो भी मैं मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले बोला कि मिसस्टेटमेंट है लेकिन वाकई में बाद में नहीं है, मैंने बोला कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है लेकिन बाद में क्या समझ में आया, कंट्रोल्स इफेक्टिव है, इससे क्या होगा, मेरे को फिर से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ रही है, जिसके कारण मेरा एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है। यहाँ पे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में तुम लोग को डिफरेंस पता होगा, तो इफेक्टिवनेस मतलब अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं कि तुमने आज बोल दिया कि मेरे को पूरा का पूरा ऑडिट 5 दिन में करना ही करना है, कोई भी हालत में हर रोज मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगी और मुझे 5 दिन में ऑडिट कंप्लीट करना है, या 7 दिन में कम्प्लीट, 7 दिन में तुम लोग मान लो टारगेट है तुम्हारा ऑडिट कंप्लीट करने का, तुम अगर 7 दिन में उसको कर पा रहे हो या 7 दिन के बदले 6 दिन में कर पा रहे हो, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा एफिशिएंसी हुई एज वेल एज इफेक्टिवनेस, क्योंकि तुमने ऑडिट कंप्लीट कर पाया, क्योंकि तुमने ऑडिट कंप्लीट कर पाया, इसलिए ये क्या हुआ, इसलिए ये इफेक्टिवनेस हुआ, और तुमने ऑडिट कम टाइम में कंप्लीट कर पाया, दैट इज एफिशिएंसी इज नथिंग बट, तो तुम कम से कम इनपुट दे रहे हो और आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है अगर, तो वो तुम्हारा क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। क्लियर है? तो सैंपलिंग रिस्क तुम लोग को इसको पढ़ोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि टीओसी के केस में अपन बोल रहे पहले कि कंट्रोल इफेक्टिव है जबकि बाद में इट इज नॉट इफेक्टिव। सिमिलरली इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बाद में पता चलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। इस केस में हम इसी से कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस कंक्लूजन बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। हम बोल रहे कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन जबकि मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। सिमिलरली दूसरे केस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अपन बोल रहे कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है और इधर बोल रहे कि मिसस्टेटमेंट ही मिसस्टेटमेंट बहुत सारी है जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती अपन मिनमेक निकाल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, फिर से अपन को ऑडिट प्रोसीजर प्रॉपरली परफॉर्म करनी पड़ेगी और इससे अपना एफिशिएंसी हैम्पर होगा, दैट इज कम टाइम में ज्यादा करने वाले थे अपन, वो नहीं हो पाएगा, अपन को टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक बार यहां तक रीड करो। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब कुछ नहीं है, सैम्पलिंग रिस्क के अलावा जो बाकी जो जो रिस्क है ऑडिट रिस्क, वो सारी तुम्हारी नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो गई। एग्जांपल तुमने ऑडिट प्रोसीजर गलत लगा दी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो लगाना था वो गलत लगा दिया एंटिटी ने तुमसे, ऑडिट एविडेंस तुमसे कोई मिसइंटरप्रेट हो गया कि तुम ऑडिट एविडेंस को ढंग से समझ ही नहीं पाए, इसके अलावा तुमने कोई मिसस्टेटमेंट पहचानने में गलती कर दी या मिसस्टेटमेंट पहचानने में भूल हो गई, डेविएशन पहचानने में कोई भूल हो गई, तो ये सारे तुम्हारे क्या हो गए, नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो गए। मतलब सैम्पलिंग के कारण रिस्क नहीं है ये, अदर देन सैम्पलिंग के कारण जो जो रिस्क है। तो एक बार यहां तक का रीड करो, सर्टिफिकेशन के पहले तक, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ ऑडिटर क्या किया, पहले उसको दिखा सैम्पलिंग के बेसिस में कि ये गलती गलती ज्यादा निकल गई, तो उसने क्या बोला कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है भैया, बहुत गलती है, कंट्रोल्स में इनइफेक्टिव है, तुम्हारे टेस्टिंग किया मैंने कंट्रोल्स की, मोस्टली कंट्रोल्स फेल मिले मेरे को सैम्पलिंग के बेसिस में, लेकिन मैंने 100 में से 2 सैंपल निकाले थे, तो अब मैं क्या किया, 100 में से 2 के बाद मैंने बचे हुए और 10-12 और चेक किए, जिसके कारण सैम्पलिंग में गलती मिलती है तो अपन क्या करते, थोड़े और बाद में और सैम्पलिंग निकाल के चेक करते पहले,
तो अब मैंने और चेक किया तो मेरे को समझ में आया अब तो कोई गलती नहीं है, 10 के 10 सही निकले। मैंने और अपने संतुष्टि के लिए हो सकता है 4-5 और चेक किए। तो बाद में ये करना पड़ता है कि अगर तुमको शुरू में इनफेक्टिव दिख जाता है कुछ, तो तुमको थोड़ी सैम्पलिंग अपनी बढ़ा के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ानी पड़ जाती है, जिसके कारण अब बाद में तुमको अगर फिर से मिलता है तो तुम कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। लेकिन अगर नहीं मिला कुछ तो तुमको ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ रही है, जिससे कि तुम्हारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है। यार क्या ये सेकंड वाले के लिए बोल रहे थे ना तुम, ये वाला? ये वाले केस में तो क्या होगा, कंट्रोल्स तुम बोल दोगे मोर इफेक्टिव है जबकि कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव है, तुम ऑडिट ओपिनियन गलत दे दोगे। तो ये तो सीधा सीधा यही रिस्क, इसलिए तो बोल रहे कि दिस इज द व्हाट द प्राइमरीली ऑडिटर इज कंसर्न विद, ये रिस्क नहीं होना चाहिए। इसलिए कोशिश करते हैं ऑडिटर जितना ज्यादा से ज्यादा सैम्पलिंग हो कवर कर पाए। सैम्पलिंग के लिए अलग से गाइडेंस नोट भी आईसीए के लिए कि अगर कंट्रोल्स इतने बार ऑपरेट होता है साल भर में तो तुमको कितना सैंपल उठाना चाहिए, 4 बार है तो 1 बार लो, 2 बार ऑपरेट होता है तो 1 बार उठाओ। उसका एक सिंगल एनुअल कंप्लायंस है, एनुअल कंप्लायंस रिलेटेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, मतलब एनुअल कंप्लायंस रिलेटेड एनुअल कंट्रोल है, तो भी एक पूरा का पूरा कंट्रोल को टेस्ट करो। अगर हर महीने हो रहा है 12 बार है तो 3 बार बोलते हैं आईसीए 2 या 3 उठा लो। अगर हर दिन हो रहा है 365 है तो 24 to 30 बोलता है, 24 to 20 to 24 वो पूरा गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। इसी कारण दिया हुआ है क्योंकि ये मेजर कंसर्न है ऑडिटर का कि कहीं ऐसा ना हो सैम्पलिंग के कारण मैं ओपिनियन ही गलत दे दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑडिटर्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। तो ये वाला तो ठीक हो जाएगा, ये वाला तो बाद में समझ में आ ही जाएगा अगर ऐसा केस होगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कंट्रोल्स इफेक्टिव है, ये वाला तो हो ही जाएगा क्लियर। इससे उतना टेंशन नहीं अपन को, क्योंकि मैनेजमेंट अपन को गलत ओपिनियन देने नहीं देगी, मॉडिफाइड ओपिनियन देने नहीं देगी। अगर मैनेजमेंट को पता है मैनेजमेंट सही है तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट तुम्हारा थोड़ी ना बात मान जाएगी, तुमको बोलेगी ढंग से पूरा पूरा चेक कर लो आप, कोई मिलेगा ही नहीं। एक दो बेसिस, एक दो सैम्पलिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे आप अनमॉडिफाइड यानी मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे दे सकते हो, ये तो अपन को समझ में आ ही जाएगा बाद में, बात आ जाती फिर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली लाइन, ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस कंक्लूजन बिकॉज इसके कारण अपनी इफेक्टिवनेस खराब हो जा रही है। तुम क्या चाहोगे कि मैं ऑडिट 6 दिन में कंप्लीट या 5 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ, मेरा 7 दिन का टारगेट था, या तुम मेन कंसर्न क्या होगा तुम्हारा कि मेरा ऑडिट 7 के 7 दिन लग जाए लेकिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेन कंसर्न तो ये होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। एफिशिएंसी ऑफ कोर्स इज एन एडेड एडवांटेज कि तुम कम रिसोर्सेज लगा के कम टाइम लगा के अपना आउटपुट ज्यादा कर पा रहे हो, लेकिन इफेक्टिवनेस तो होना चाहिए कि पूरा का पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेटिफिकेशन में आ जाओ, स्ट्रेटिफिकेशन मॉनेटरी वैल्यू वाइज जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वाउचर के, उसको तुमको एक स्ट्रेटा बनाना है, मतलब एक ग्रुप में रखना है उसको, और ऐसे मल्टीपल ग्रुपिंग कर सकते हो तुम। ग्रुपिंग और मल्टीपल ग्रुपिंग हो जाएगी ना, उसमें अपन फिर ऑडिट सैम्पलिंग लगाएंगे। दैट इज एक ग्रुप को एक पॉपुलेशन मान लेंगे और उस पॉपुलेशन में अपन सैम्पलिंग टेक्निक लगाएंगे बेस्ड ऑन आर जजमेंट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यही लोग का ले लो, देखो एग्जाम्पल क्या दिया आईसीआई ने, कुछ वाउचर्स को तुमने क्लासीफाई किया, जो जो 1 लाख के ऊपर वाले वाउचर थे तुमने उसको अलग कर दिया सारे, जो जो 25,000 से 1 लाख तक के वाउचर थे तुमने उसको अलग कर दिया, एक्सेल में डाल दिया फिल्टर लगा के, 1 लाख के ऊपर को अलग कर दिया, 25,000 से 1 लाख के ऊपर के अलग कर दिया, और 25,000 वाले से कम जो है वाउचर उसको अलग कर दिया। अब ये वाले जो है ना, हो सकता है मैं इसमें 100% चेकिंग करूँ, सारे 1 लाख के ऊपर वाले जितने वाउचर है पूरे के पूरे चेक करूँ, इसमें हो सकता है मैं 50% करूँ चेकिंग, दैट इज ये एक अलग पॉपुलेशन हो गई मेरे लिए, और ये पॉपुलेशन उठा के मैं बोलूंगा कि 50% आइटम्स दो मेरे को चेक कर रहे हैं, और हो सकता है इसमें मैं 25% चेक करूं। तो सैम्पलिंग तुमको लगानी बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू विच यू हैव स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब ग्रुप बनाना बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉनिटरी वैल्यू वाइज ये ग्रुप बन गया 1 लाख के ऊपर वाले सारे ट्रांजेक्शन, 25,000 से 1 लाख वाले बन गए, और एक लेस देन 25,000 वाले बन गए। तो ये जो एक एक ग्रुप बना रहे हो ना, ये ग्रुप को ही बोलते हैं अपन क्या, स्ट्रेटा। एक एक ग्रुप जो बनाया तुमने, ये एक अलग स्ट्रेटा हो गया, स्ट्रेटा वन बोल सकते हो इसको, ये एक स्ट्रेटा टू हो गया, एंड सिमिलरली ये एक स्ट्रेटा थ्री हो गया, और हर स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज इफ सेपरेट पॉपुलेशन। ये अलग पॉपुलेशन हो गई, ये अलग पॉपुलेशन हो गई, ये स्ट्रेटा थ्री अलग पॉपुलेशन हो गई, और हर पॉपुलेशन के ऊपर अपन अपना सैम्पलिंग प्रोसीजर लगाएंगे अलग से। इसमें हो सकता है मैं 100% चेक करूँ बताया, तो इसमें कम चेक कर सकता हूँ और इसमें और कम चेक कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई जजमेंट कि ये ज्यादा मटेरियल है मोर देन 1 लाख वाला, तो मैं उसका 100% चेक कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटा समझ में आया क्या, स्ट्रेटम स्ट्रेटिफिकेशन सैम्पलिंग वाइज स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाओ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट में।
नेक्स्ट आ जाओ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट में। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी याद है तुम लोग को क्या था, कि जो टोटल मटेरियलिटी है मान लो 2 करोड़ अपन एग्जाम्पल लिए थे, उसमें से मैं 0.5 करोड़ रूम दे दिया था फॉर अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट डेट माइट इंडिविजुअल या फिर एग्रीगेट करके देखे तो मटेरियल हो सकता है, अगर अपन जो मिसस्टेटमेंट मिल जाएगा मतलब 1.5 प्लस 0.5 कर देंगे तो वो एक्सीड कर देगा अगर मेरी टोटल मटेरियलिटी, तो मैं 1.5 हटा दूंगा और 1.5 क्या रखता हूँ मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर दैट हैज बीन परफॉर्म्ड, उसके कारण जो जो तुमको मटेरियल मतलब जो जो मिसस्टेटमेंट मिलेगी वो क्या तुम देखोगे 1.5 करोड़ ना कि 2 करोड़। सिमिलरली टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट भी वही हो गया, मतलब इतना मिसस्टेटमेंट जो तुमको टॉलरेट कर सकते हो, तुम 1.5 करोड़ तक के मिसस्टेटमेंट को टॉलरेट कर सकते हो, इसके ऊपर के मिसस्टेटमेंट अगर होंगे अगर तो इवन दो वो टोटल मटेरियलिटी लेवल को ब्रीच नहीं कर रहे, टोटल मटेरियलिटी 2 करोड़ की है लेकिन 1.6 मिल रहा है तुमको, 1.5 समझ लो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल हो गया तुम्हारा 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ के ऊपर अगर तुमको मिसस्टेटमेंट मिल जा रही है तो ये टॉलरेबल को ब्रीच कर दे रहा है, और टॉलरेबल मैं अब टॉलरेट अब नहीं कर सकता, समझ गए होंगे तुम लोग इसका मतलब। तुमको उस केस में इसको डिटेल में अच्छे से जा जाके अंदर प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर लगा के हो सकता है मॉडिफाई भी करना पड़ जाए लास्ट में। तो मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट द मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। जो टोटल मिसस्टेटमेंट है जो मेरे हिसाब से 2 करोड़ एक्चुअल मिसस्टेटमेंट लेवल होती है, तो ये बोलता है कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट को एक्सीड ना कर जाए तुम्हारा जो मिसस्टेटमेंट लेवल ऑलरेडी तुमने डिसाइड किया है, प्लस जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह जाएगी बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग। तो व्हेन डिजाइनिंग अ सैंपल द ऑडिटर डिटरमाइंस टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिस्क दैट द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअली इमटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है ना, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट जो छोटे 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 मिसस्टेटमेंट है मे कॉज द एफएस टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। जो छोटे छोटे सबको मिला दोगे तो हो सकता है इसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे मटेरियली मिसस्टेटेड हो जाए, इसलिए जब तुम डिजाइन करो सैंपल को तो ऑडिटर मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एक बार डिटरमाइन करता है कि, और उसके बेसिस में डिटरमाइन करता है कि जो छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट है ये सबको मैं एग्रीगेट कर दूं तो क्या ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहे ना, अगर एक्सीड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ओनली इन अकॉर्डेंस विद एसए 320। याद आ गया होगा तुमको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मोटा मोटी। ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मे बी द अमाउंट और एन अमाउंट लोअर देन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, हो सकता है तुम टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को 1.5 से भी कम कर दो थोड़ा सा। तुम्हारे लिए मटेरियलिटी लेवल क्या था 2 करोड़, उसमें से तुमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या बोला 1.5 सीआर, उसमें से भी तुम बोल रहे हो कि स्टेटमेंट अगर मेरे को 1.2 सीआर से भी ऊपर मिल जाता है तो मैं क्या बोल दूंगा कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ब्रीच हो गया, मतलब मेरे लिए टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या हो गया लोअर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी दैट इज 1.4 1.3 या 1.2 सीआर। ये वाली लाइन को याद रखना, हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए। अगर कोई डाउट है तो बता दो समझ में आया कि नहीं आया। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इसमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो मैंने बताया था ना 320, उसको याद करोगे मोटा मोटी तो याद आ जाएगा कि जो समझ लो 2 करोड़ टोटल मटेरियलिटी है, इसमें से मैं अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के लिए मैं हटा देता हूँ कुछ रूम देता हूँ तो मेरा क्या आंसर आ जाता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आ गई 1.5 सीआर। अब इसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि सैम्पलिंग के कारण अब जो कुछ कुछ रह सकता है, हो सकता है सैम्पलिंग रिस्क के कारण, सैम्पलिंग रिस्क नॉट ऑडिट रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क के कारण ये सब तुम्हारा अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट बाकी सारे रिस्क के कारण भी हो सकता है, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन हो गया तुम्हारे ऑडिट के, इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कई सारे इसके कारण तुम जो मिसस्टेटमेंट्स का रूम दे रहे हो अनडिटेक्टेड रह जाएंगे, उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा पीएम, और इसके बाद तुम सैम्पलिंग रिस्क के लिए जो रूम दोगे मान लो समझ लो 0.2 सीआर इसके लिए रूम दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल 1.3 सीआर। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के बाद टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन भी सेम उसी टाइप का कि कितना रेट ऑफ डेविएशन मेरे को टॉलरेट मैं कर सकता हूँ, ये जो रेट ऑफ डेविएशन है इसके अंदर तक अगर डेविएशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को फिर फर्दर मॉडिफाई करना पड़ सकता है या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और डिटेल में जाके चेकिंग वेकिंग करनी पड़ सकती है। तो प्रिस्क्राइब इंटरनल प्रोसीजर सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अश्योरेंस कि जो मेरा रेट ऑफ डेविएशन है जो सेट किया है ऑडिटर ने वो एक्सीड नहीं होना चाहिए बाय द एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। मैंने जो जितना रेट ऑफ डेविएशन सोचा है एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तुमको टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन वही तुम्हारा होता है। यहां तक का क्लियर है तो बताओ तब आगे बढ़ेंगे नहीं तो रुक जाते हैं। क्या बोल रहे हो तुम्हारी आवाज अटक रही है वापस बोलो। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब
तुम्हारा मान लो एक, अपन ने देखा था कितने एक्सटेंट तक अपन को चेकिंग करनी कंट्रोल्स की, उसमें अपन ने देखा था रेट ऑफ डेविएशन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है ऑडिटर, रेट ऑफ डेविएशन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। मान लो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, एलएनटी में हम लोग जैसे कंट्रोल की टेस्टिंग करते थे, जैसे कंट्रोल की टेस्टिंग करते थे, ये तुम्हारा क्या है कंट्रोल मैट्रिक्स होता था कि ये प्रोसेस है। मान लो डीटी का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, एक एक प्रोसेस डीटी या कोई भी ले लो, चलो पीटूबी ले लो, पीटूबी का तो मैंने कई बार तुमको बताया हुआ, तुरंत समझ में आ जाएगा। पीटूबी का एक कंट्रोल मैंने क्या बताया था कि पीआर की जो क्वांटिटी है सेम पीओ की क्वांटिटी मोटा माटी, यानी वो ऑटो पॉपुलेट हो रही है कि नहीं, और सेम है कि नहीं इनवॉइस में क्वांटिटी सेम है कि नहीं। अब ये एक कंट्रोल हो गया, ये एक कंट्रोल हो गया, इससे रिलेटेड मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं वो मेरे को यहाँ पे रहते थे। ये डॉक्यूमेंट्स मैं क्लाइंट से डेट इज ऑडिटी से मंगवाता था, एलएनटी की सब्सिडरी या एलएनटी की जो भी तुम्हारी जॉइंट वेंचर होगी, जैसे एलएनटी एसएनएल का मैं काम कर रहा था सार्जन एंड लुंडी के साथ जो उनका जॉइंट वेंचर है, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ सारे। वो डॉक्यूमेंट्स में अब मैं चेक करूंगा कि ये वाला जो कंट्रोल मैंशनड है वो कंट्रोल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब मैं ये डॉक्यूमेंट में पीआर मेरा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं पीओ में, मैं क्या मंगाऊंगा, मैं मंगाऊंगा स्क्रीनशॉट कि स्क्रीनशॉट दो भाई तुम्हारे जो पीओ, पीओ कैसे बनता है सिस्टम में बनता है, कोई हाथ वाथ से कुछ काम नहीं होता है, मैं स्क्रीनशॉट मंगवाऊंगा वहां से। एक स्क्रीनशॉट से मुझे समझ में आएगा कि दो स्क्रीनशॉट मंगवाने हैं कि कितना रेट ऑफ डेविएशन मेरा। अब मान लो यहाँ पे मेरे को मंगवाने हैं नंबर ऑफ आइटम्स एज पर सैम्पलिंग बेस्ड ऑन, मैंने बताया तुमको गाइडेंस नोट में दिया हुआ है आईसीआई के कि कितना मंगवाना चाहिए। अब ये कंट्रोल साल भर चलने वाला है, 365 डेज चलने वाला है ये कंट्रोल, तो ये कंट्रोल क्या हो सकता है, मैंने मंगवा लिया 25 डॉक्यूमेंट। अब 25 डॉक्यूमेंट में मैंने क्या बोला कि चलो अगर दो या तीन डॉक्यूमेंट में हो सकता है डेविएशन मिल भी जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और ये कंट्रोल को फेल नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल को पास कर दूंगा। कंट्रोल फेल कर दूंगा तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इनइफेक्टिव बोलूंगा मैं, कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। और क्या है, दो तीन डेविएशन 25 में से दो तीन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए रेट ऑफ डेविएशन ये एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है, टॉलरेबल मैं इतना रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेट कर सकता हूँ, इसके अगर ऊपर मिलता है मेरे को चार अगर मिलता है तो हो सकता है मैं 5-10 और मंगा के देखूंगा, और उसमें भी मिलता है तो मैं कंट्रोल को फेल कर दूंगा या फिर डायरेक्टली भी कंट्रोल को फेल कर सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ बात करके रखा तुमने अपने मैनेजर के साथ जैसा भी। लेकिन रेट ऑफ टॉलरेबल कितना रेट ऑफ डेविएशन हो गया, दो या तीन मिलता है मेरे को तो ये मेरे लिए टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन हो गया। इसके ऊपर अगर एक्सीड करते तुम्हारे एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन तो तुम्हारे लिए ये क्या हो सकता है, कंट्रोल फेल कर सकते हो तुम इसका। तो यही बोल रहे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में जो तुमने रेट ऑफ डेविएशन प्रिस्क्राइब किया कि 25 में से भाई दो अगर मिल भी रहे, दो मिसस्टेटमेंट मिल भी रही है मान लो, या दो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं दिखा रहे मेरे को, डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, या ओवरऑल कंट्रोल दो जगह पे फेल हो रहा है 25 डॉक्यूमेंट में से, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, विच द ऑडिटर सीक्स टू ऑप्टेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अगर मेरे लिए फिर भी 23 कंट्रोल ऑपरेट हो रहे हैं ना, मतलब 25 में से 23 ठीक बात है, तो मेरे को अगर अश्योरेंस मिल जा रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ठीक है दो मेरे लिए टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन हो गया, और मैं चाहता हूं कि जो एक्चुअल डेविएशन आ रहे हैं वो दो से ज्यादा ना आए, वो दो से ज्यादा ना आए। क्लियर है क्या? रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में आ जाओ। अब इस ऐसे की रिक्वायरमेंट्स, अभी तक डेफिनेशन वगैरह यही सब चल रहा था, मेन एक क्वेश्चन ये वाला था सैम्पलिंग रिस्क फैक्टर वाला, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग रिस्क के साथ सैम्पलिंग रिस्क फैक्टर वाला, नॉन सैम्पलिंग रिस्क के एग्जाम्पल याद रखना थोड़े से दिमाग में कि सैम्पलिंग के अलावा जो ऑडिट रिस्क हो जाती तुम्हारी वो सारी रिस्क कौन सी है, सैम्पलिंग रिस्क। स्ट्रेटिफिकेशन का एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है ये क्या है, ये ऑडिट स्ट्रेटिफिकेशन है, हेपेजार्ड सैम्पलिंग है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग है, कौन सी सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें मैं क्या किया था, वाउचर्स वाइज या मॉनिटरी अमाउंट वाइज स्ट्रेटा बना लिया था, स्ट्रेटा को मैं पॉपुलेशन मान लिया और पॉपुलेशन पे मैंने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर दिया। स्ट्रेटिफिकेशन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, मार्क करना। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट समझा दिया, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन भी हो गया। अब आ जाओ तुम्हारा ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले ऐसे बोलते कि कितना डिजाइन कैसे होगा तुम्हारा सैंपल डिजाइन, उसके अलावा कितना साइज सैंपलिंग साइज क्या होगी, एंड एंड सिलेक्शन कैसे करोगे तुम, किस आइटम को तुमको ऐसा सैंपल उठा के टेस्ट करना है, किस आइटम को तुमको ऐसा सैंपल उठा के टेस्ट करना है बताओ। तो जब तुम डिजाइन कर रहे हो तो ऑडिटर क्या करेगा, ये डिजाइन से रिलेटेड वाला पॉइंट हो गया कि ऑडिटर शैल कंसीडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो डिजाइन के बाजू चाहो तो लिख सकते हो क्या, डिजाइन में मैं क्या देख रहा हूं, मेन पर्पस क्या है मेरा, पर्पस किसका, पर्पस ऑफ ऑडिट, उसके बेसिस में डिजाइन करूंगा मैं अपना सैंपलिंग, प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कि भाई जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कवर्ड है क्या, अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है तो हो सकता है मेरे को सैंपलिंग डिजाइन अलग तरीके से करनी पड़ेगी ताकि मैं वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को पकड़ पाऊँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन प्लस पर्पज ऑफ ऑडिट क्या है, साइज के बेसिस के लिए क्या कर रहे हो, साइज के लिए, साइज के लिए बोलता है जो
जो कि मेरे सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस कर दे टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, उतना साइज करो तुम, उतना साइज रखो ताकि मेरा रिस्क कम से कम रहे। मैंने अभी ऊपर में बताया था सैम्पलिंग रिस्क जो प्राइमरीली ऑडिटर जिससे कंसर्न है, कौन सा रिस्क है, वो इफेक्टिव को जो अफेक्ट कर रहा है, दैट इज कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है लेकिन तुम बोल रहे हो इफेक्टिव है। टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन में पता चल रहा है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है, तो ये ऑडिटर इतना सैंपल साइज चाहेगा जिससे कि ये जो मैं बताया अभी तुमको रिस्क, ऑडिट रिस्क या सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। सिमिलरली तुम आइटम सिलेक्ट कैसे करोगे, फॉर द सैंपल इन सच अ वे दैट ईच सैंपल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन हैज अ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग बीइंग सिलेक्टेड, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करोगे। मोस्टली मोस्टली सेलेक्ट से आइटम सिलेक्ट कैसे करना है, स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसे सिलेक्ट करो जिससे कि सारे पॉपुलेशन में जितने आइटम है सबका चांस हो सिलेक्ट होने का, सबका चांस हो सिलेक्ट होने का। तो ये तुम्हारे तीन बातें याद रखना तुमको कि मैं डिजाइन क्या कैसे क्या बातें ध्यान में रख के डिजाइन करूंगा कि ऑडिट का पर्पस क्या है प्लस कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की क्या है। साइज मैं कैसे रखूँ, साइज ऐसा रखूँ टू सो एज टू रिड्यूस एन ऑडिट सैंपल, सो एज टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, ऑडिट रिस्क नहीं सैंपलिंग रिस्क, ठीक है। सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क, ये वाला सैंपलिंग रिस्क ना कि ऑडिट रिस्क। एंड लास्टली सिलेक्ट आइटम कैसे सिलेक्ट करोगे जिससे कि सबका चांस इक्वली हो, सबका चांस हो बराबर आने का। आईपीसीसी में आया हुआ है 4 नंबर के लिए, 4 मार्क आईपीसीसी क्वेश्चन आया हुआ है। सैंपल साइज सैंपल डिजाइन और सिलेक्शन आइटम ऑफ सैंपलिंग कैसे करते हो एज पर SA 520 वन लाइनर। नेक्स्ट आ जाओ, अब तुमको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, सैंपलिंग परफॉर्म करनी है, तो ईच आइटम जो सिलेक्ट किया उसका पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं अप्रोप्रिएटली, उस हिसाब से तुमको ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी है। ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड आइटम, द ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम। ये बोलना क्या चाह रहा है समझो कि अगर मान लो मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर मैं परचेस को चेक कर रहा हूँ तो मैं उसका मैं PR देखूंगा, PO देखूंगा, इनवॉइस देखूंगा, गुड्स रिसीव नोट वगैरह देखूंगा एंड बैंकिंग स्टेटमेंट में वो सारे अमाउंट रिफ्लेक्ट, ये सब चीजें मैं चेक करता हूँ समझ लो। अब मान लो ये PO की जो रिक्वायरमेंट है ना परचेज ऑर्डर, ये कई बार एक तो ये टीडियस प्रोसेस होता है थोड़ा, PO बनाना PR के थ्रू ये सब, और उसका अप्रूवल लेना, रिव्यू कौन करेगा, फिर प्रॉपरली उसका कोटेशन वगैरह ये सब है कि नहीं। तो PO कई बार हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बोले कि जो 1 लाख से कम की जो परचेज है उसमें PO बनाने की जरूरत नहीं है, 1 लाख से जो कम की जो परचेज है उसमें PO बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब तुम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो और मान लो सैम्पलिंग करते करते तुम्हारे पास कोई ऐसा आइटम आ गया जिसकी वैल्यू 1 लाख से कम है, तो 1 लाख से कम है तो उस केस में तुमको PO वगैरह चेक नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि PO बनना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है तो PO वगैरह चेक कर पाओगे। उस केस में ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ रिप्लेसमेंट आइटम में तुम अपनी सैम्पलिंग लगा सकते हो, अगर सारे के सारे या मोस्टली तुमको 1 लाख से कम वाले मिल गए अगर मान लो एग्जाम्पल, तो वो बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड आइटम तो ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम, कोई और जो जो 1 लाख के ऊपर मिल रहा है उस पर चेक कर लो जो प्रॉपर्ली बना है, रिव्यू है, प्रॉपर्ली साइन किया गया है, अप्रूवल किया गया है कि नहीं, मिनिमम 3 कोटेशन थे, कोटेशन मिनिमम लोएस्ट कोटेशन एक्सेप्ट किया गया ना, वो लोएस्ट कोटेशन अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या रीजन था हायर कोटेशन एक्सेप्ट करने का, रीजन के साथ है कि नहीं, सारी चीजें ये सब चेकिंग कर सकते हो ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख से कम वाले ट्रांजेक्शन तुमने मान लो चूज कर लिए 2 दिन गलती से। इसके अलावा प्रोसीजर अप्लाई करते टाइम अगर ऑडिटर अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर तो उसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर तो अप्लाई करनी है ऑफ कोर्स एनी टाइम, आप तो परफॉर्म करना ही पड़ता है जब भी कोई ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड द ऑडिटर शैल ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंट्रोल, अगर उसको कंट्रोल्स में प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं नहीं PO नहीं हुआ है, प्रॉपरली रिव्यूड नहीं है, PO अप्रूव नहीं था, गलत अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, अथॉरिटी जिसकी साइन होनी चाहिए थी उसकी किसी और की साइन दिख रही है, तो ये सब क्या हो गया, कंट्रोल लैप्स हो गया, डेट इज डेविएशन मिल गया और कंट्रोल फेल भी मार सकते हो कंट्रोल फेलियर। सिमिलरली सेम केस हो सकता है टेस्ट ऑफ डिटेल में जहां पे मिसस्टेटमेंट मिल सकती है तुमको, ये कुछ हो गए तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर। और जब भी ऐसा तुमको कुछ मिलता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट, इंपॉर्टेंट, जैसे कल अपन ने देखा था SA 520 में, ये हुआ ऑडिट प्रोसीजर लगाना, इसको रीड अच्छे से मार्क करना, अच्छे से रीड करना, समझ के करना, ये बोलना चाह रहे कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए मेरे पर्पस, और ईच एक एक आइटम का जो पर्पस सिलेक्ट करने का उसका पर्पस सेटिस्फाई होना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर लगा के, प्लस जो सिलेक्टेड आइटम में अगर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को रिप्लेसमेंट आइटम में करना चाहिए, अगर मैं कोई ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए। 2 पॉइंट तो ऐसे याद हो गए। देखो क्या बोलते हैं दूसरा पॉइंट, कि अगर मैं सिलेक्टेड आइटम पे मेरी सैम्पलिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को रिप्लेसमेंट आइटम में करना चाहिए, और सिलेक्टेड आइटम में कर पा रहा हूँ लेकिन मैं ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरी जो सैम्पलिंग ऑडिट प्रोसीजर थी, सैम्पलिंग प्रोसीजर थी, वो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, उस केस में आई शुड अप्लाई द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एज वेल। अल्टरनेटिवली और क्या प्रोसीजर है इसको चेक करने के लिए,
लास्टली रिजल्ट को इवेल्युएट करना, जो ऑडिट सैम्पलिंग का जो रिजल्ट आया है मेरे पास उसको इवेल्युएट करोगे, उसके बेसिस में तुम डिसाइड करोगे कि क्या मुझे और थोड़ा सैंपल उठाने चाहिए चेकिंग करने के लिए, क्या ये इतना सफिशियंट है, या क्या मुझे इसको मॉडिफाई करना चाहिए, क्या मुझे इसको अनमॉडिफाई ओपिनियन के लिए करना, क्या होगा इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा रिजल्ट एंड वेदर द यूज ऑफ द सैम्पलिंग वॉज प्रोवाइडेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस, कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन डेट हैज टेस्टेड, जो तुमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, कंट्रोल्स तुम्हारे जितने भी टेस्ट हुए हैं जो पॉजिटिव आए हैं सारे के सारे कंट्रोल्स, वेदर दे वर प्रॉपरली टेस्टेड, रीजनेबल बेसिस लिया गया ना, तुमने अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है, ये सब ऑडिटर अपना रिजल्ट इवेल्युएट करते टाइम देखेगा। प्लस अगर उसको कहीं भी मिसस्टेटमेंट लग रहा है, कहीं भी उसको सुगंध आ रही मिसस्टेटमेंट की, तो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका क्या था नेचर, उसका क्या कॉज था, कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट। कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसे 450 का क्वेश्चन था, याद होगा तो, कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट याद है क्या आंसर, बोलो बोलो, कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, हिंट, वॉवेल्स, इंग्लिश लैंग्वेज के वॉवेल्स जितने थे, याद आया कॉजेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, ए ई आई ओ यू, ए से था अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला में तुमने जजमेंट गलत ले ली, आई से था इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस किया तुमने इनएक्यूरेट इनएक्यूरेटली, गैदर डेटा गलत किया, इनएक्यूरेट किया डेटा गैदरिंग, ए ई आई ओ से था ओमिशन, ओमिट ही कर दिया, यू से था अनरीजनेबल जजमेंट लिया तुमने वाइल फॉर्मिंग योर ओपिनियन। तो ये सारे कुछ कॉजेज हो सकते हैं मिसस्टेटमेंट के। इन एनालाइजिंग द डेविएशन, अपन ने पहले क्या बोला कि ये तुम्हारा रीजनेबल बेसिस में जो भी तुमने कंक्लूजन लिया है, इवेल्युएट जब तुम कर रहे हो कि ऑडिट सैम्पलिंग प्रोसीजर जो लगाया है उसके रिजल्ट को जब तुम इवेल्युएट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस, ऐसा कंक्लूजन जो भी तुम ड्रॉ कर रहे हो उसका रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया कि जहां भी तुमको इन्वेस्टिगेट मिल रहा है, सॉरी जहां भी तुमको मिसस्टेटमेंट मिल रहा है वहां पे तुमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है उसका क्या नेचर था, उसका क्या कॉजेस था मिसस्टेटमेंट के कॉजेस, एज पर ऐसे 450 वगैरह देखोगे। फिर जब तुम डेविएशन एनालाइज कर रहे हो, मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड को एनालाइज कर रहे हो, तो ऑडिटर वुड ऑल्सो नीड to consider the qualitative aspect of the misstatement identified by। ऐसा नहीं कि monetary terms में misstatement material नहीं हो पा रहा है, लेकिन qualitative aspect भी देखो उसका, क्या वो directly shareholder से related है, shareholder grievance mechanism पांच लोग अच्छे से काम नहीं कर रही है क्या, क्या shareholder grievance mechanism ये जो control है whether it is operating effectively or not, तो qualitative aspect भी देखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी lapse हो गया भले वो materiality तुम उस basis में check नहीं कर पाओगे, लेकिन वो हो सकता है तुम्हारे लिए qualitatively बहुत ज़्यादा important हो। तो जब भी तुम डेविएशन देख रहे हो तो तुमको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी कंसिडर करना है। एंड लास्टली एक कॉमन फीचर आइडेंटिफाई करोगे, कॉमन पैटर्न होता है जनरली, मान लो तुमने सैम्पलिंग किया और तुमको हर सैंपल में जो जो जितनी मिसस्टेटमेंट मिली ना, सारे के सारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के में जो जो सेल हुए थे वहां पे ही मिसस्टेटमेंट मिली, बाकी कहीं नहीं मिली। तो मैं क्या करूंगा, अब तुझे सारे के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने वाउचर्स ट्रांजेक्शन हुए सबको अच्छे से थोड़ा बहुत अच्छे से ज्यादा अच्छे से चेक करूंगा। सिमिलरली मान लो तुमको हर बार मार्च के महीने में ही मिलते हैं मैनिपुलेटिव ट्रांजेक्शन, तो आप तुम क्या करोगे, मार्च के महीने में ज्यादा सैंपलिंग करोगे या 100% चेकिंग कर सकते हो। तो ये बोलता है कि जब तुम स्टेटमेंट इवेल्युएट करो, ऑडिटर हो सकता है वो कुछ कॉमन फीचर ऑब्जर्व करे, कॉमन पैटर्न, जैसे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, या फिर एक पर्टिकुलर, मैंने एक और क्या बताया, टाइम पीरियड, की पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज मार्च अप्रैल में ज्यादा हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी एक टाइप के ट्रांजेक्शन में लोकेशन वाइज ज्यादा, अगर एक ही लोकेशन में ज्यादा तुमको मिल रहा है सेम फीचर, प्रोडक्ट लाइन या पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया मार्च में ज्यादा मिल रहा है, तो उस केस में क्या करना है, ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है सारे आइटम इन द पॉपुलेशन जो कॉमन फीचर पोजेस कर रहे हैं, दैट इज मेरे को पॉपुलेशन में जितने सारे आइटम निकालने पड़ेंगे जो मार्च के मंथ में इनकर हुए, सारे पॉपुलेशन में सारे आइटम निकालना पड़ेगा जो मैंने क्या बताया, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले, तो एक कॉमन फीचर वाले सारे पॉपुलेशन के सारे ट्रांजेक्शन निकल कर लो। इन एडिशन सच डेविएशन और मिसस्टेटमेंट मे बी इंटेंशनल भी हो सकता है, क्योंकि एक कॉमन फीचर तुमको कॉमन पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, इंटेंशनल हो सकता है कि हर बार मैं जानू कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वालों में ही घपला मचा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल ज्यादा फेलियर है, तो ये इंटेंशनल भी हो सकता है और कॉमन फीचर भी है। तो उस केस में तुमको इवेल्युएट करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, दूसरा कॉमन फीचर हो गया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कॉमन फीचर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट याद रखना, उसको इलेबोरेट कर सकते हो तुम ऑफकोर्स अपनी लैंग्वेज में, कॉमन फीचर को भी ऑफकोर्स इलेबोरेट कर सकते हो कि नहीं, हाँ कि ना बताओ मेरे को, बताओ अभी तक ये तीनों क्वेश्चन, तीनों पॉइंट समझ में आए क्या, तीनों एकदम सिंपल है, हाँ कि ना, यस। सैंपल सिलेक्शन मेथड में आ जाओ, सैंपल सिलेक्शन मेथड में आ जाओ।
नहीं वो तो मैं समझाने के लिए लिखवा यानी बता रहा हूँ ताकि याद रहे तुमको। कॉमन फीचर में लिखोगे क्या? कुछ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में कॉमन फीचर पता चल रहा है, कॉमन पैटर्न पता चल रहा है लोकेशन वाइज, हर बार छत्तीसगढ़ एरिया में ही मिल रहा है। प्रोडक्ट लाइन वाइज पता चल रहा है कि हर बार मेरे 10 प्रोडक्ट है, हमेशा सोया ऑयल में ही क्यों आ रहा है गड़बड़ी, सोया ऑयल में ही क्यों घपला मच रहा है हर बार। पीरियड ऑफ टाइम में पता चल रहा है, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दिया ताकि तुमको वो 3-4 पॉइंट बस याद रहे। लिखने के लिए तुमको इतना ही लिखना है जितना बेयर स्टैंडर्ड में दिया। एग्जाम्पल वाइज अगर उनको बनाना है ये लाइन से क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स जो मैंने बोला है उसी लाइन में कुछ क्वेश्चन बनेगा। तुमको बोलेगा कि कैसे तुम इवेल्युएट करोगे, तो पूरा का पूरा ये इवेल्युएशन का तुमको लिखना पड़ेगा। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग कि रिजनेबल बेसिस में होना चाहिए, अगर नहीं तो नेचर देखो, कॉज कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है उसको इन्वेस्टिगेट करो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी कंसिडर करो, एंड लास्टली कॉमन फीचर से कंक्लूड करते हुए तुमको आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा। सैंपल सिलेक्शन मेथड, सबसे पहला रैंडम सिलेक्शन इज नथिंग लाइक, इट्स जस्ट लाइक स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग। एक बार रीड करो, रैंडम सिलेक्शन सेम है क्या? इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दिया है। रैंडम नंबर टेबल से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का थ्योरी यूज हो जाती है। रैंडम नंबर टेबल मतलब एक वो रैंडमली डिसाइड करता है कौन सा नंबर आएगा। जैसे एक्सेल में भी तुम डालोगे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज रैंड वाला, याद होगा तुमको, तो रैंडमली वो अपने आप टेक्स्ट जनरेट कर लेता है, रैंडमली नंबर भी कर सकते हैं। तो रैंडम नंबर टेबल से अपने आप वो तुमको बताएगा, जैसे हाउजी होता है ना, हाउजी अपने मन से निकलते हैं नंबर, वो समझ लो ये हो गया। और इसमें क्या एंश्योर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज हो रही है तुम्हारी, डेट इज स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक हो रहा है, मोस्टली इसको स्टेटिस्टिकल मान सकते हो। फिजिकल आइटम्स सच एज सेल्स इनवॉइसेस मॉनेटरी आइटम्स सैम्पलिंग यूनिट्स कुड बी तुम्हारे फिजिकल आइटम हो सकते हैं। दिस मेथड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड पॉपुलेशन टू बी सैंपल कंसिस्ट ऑफ रीजनेबली सिमिलर यूनिट्स। अगर सेम सेम यूनिट्स वाले सिमिलर यूनिट्स के ही सैंपल है तो इसमें बोल रहा है कि सब सिमिलर यूनिट्स के सारे एक 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 लाख वाले ही है, इसमें सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं ज्यादा, रैंडमली सबको उठा लो क्योंकि सब सिमिलर यूनिट्स है। मेरे मान लो मैं एक ही चीज का प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं मान लो एक ही टेबल सेल करता हूँ बस, और टेबल की वैल्यू है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए में ही हर बार मैं सेल करता हूँ, वो टेबल है, एक ही आइटम है मेरा सेल करने का, सिमिलर यूनिट्स है, सिमिलर सैम्पलिंग यूनिट है, तो उसको तुम बोल सकते हो कि रैंडम सैम्पलिंग लगा लो। अब सिस्टमेटिक सिलेक्शन देखना क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तुमको क्या करना है सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले तुमको डिटरमाइन करना है कि पॉपुलेशन कितनी है तुम्हारी। मान लो एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है 250, 250 यूनिट्स है तुम्हारे पास, चेकिंग करने के लिए 250 वाउचर्स है, 250 वाउचर्स ले लो। इसका मेरे को सोचना है कि मेरा सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज, सैंपल साइज मतलब मेरे को 250 में से चेक कितने करने हैं, 250 में से चेक कितने करने हैं। मैंने अभी टाइमलाइन मेरी छोटी बनी इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 250 में से मेरे को 5 चेक करने हैं, 5 ही मैं सैंपल उठाने वाला हूँ, तो मेरा सैंपलिंग इंटरवल कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 50, यानी कि ये 250th आइटम है और ये फर्स्ट आइटम है मान लो। तो हर हर 50वें आइटम में तुमको एक सैंपल उठाना है, हर 50वें आइटम को। अब जो पहला आइटम है ना वो तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सकता है तुमने फोर्थ सिलेक्ट किया, तो अब तुम क्या करोगे, 54th उठाओगे, देन 104th उठाओगे, देन 154th उठाओगे, एंड देन लास्टली कौन सा उठाओगे, लास्टली कौन सा उठाओगे, 204th आइटम। तो तुम्हारे उठ गए 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा हुआ सिस्टमेटिक सिलेक्शन। एक बार इसको रीड करो तो समझ में आएगा, रीड करके समझ में आया क्या जो मैं समझा रहा, हाँ कि ना? सिस्टमेटिक सिलेक्शन मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिकली तुम सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे SIP तुम्हारी क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने के 1 तारीख में वो तुम्हारा पैसा कट जाएगा और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी म्यूचुअल फंड में, समझो SIP। वैसे ही तुमको एक पर्टिकुलरली पहला आइटम सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा लूँ, फर्स्ट से लेकर 50th तक, क्योंकि तुम्हारी 50 क्या आई है, सैम्पलिंग इंटरवल आई है। तो अब इसके बाद चौथा पांचवा जो भी तुम पहला सिलेक्ट करोगे वो तुम रैंडमली हैपेजार्डली सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ये क्या बोला है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है मे बी डिटरमाइन हैपेजार्डली, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, सेवंथ करो, एट्थ करो, जैसा भी करो, लेकिन इसके बाद जो है तुम्हारा 54th वो सारे 50 के इंटरवल्स में ही आएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या? हैपेजार्ड सिलेक्शन, हैपेजार्ड सिलेक्शन मतलब हैपेजार्डली अपने मन से उठा उठा के चेक कर रहे हो, उठा उठा के सैंपलिंग ले रहे हो, हैपेजार्डली, हैपेजार्डली, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, देर इज नो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बाय विच यू आर सिलेक्टिंग द सैंपल्स आउट ऑफ द पॉपुलेशन। हैपेजार्डली तुम अपने मन से उठा रहे हो, मोर और लेस, डेट इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट, नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग। तो ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज्ड,
ऑडिटर वुड नॉनदलेस अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस और प्रेडिक्टेबिलिटी। ये बोल रहा है कि सिमिलरली मैंने क्या बताया था कि मैं हर बार, मेरे को पता है 1 अप्रैल और 31 मार्च के मेरा गलती रहती है, तो मैं जानबूझ के हर बार 1 अप्रैल 31 मार्च का तो ट्रांजेक्शन सैम्पलिंग उठाता ही हूँ हमेशा। तो ऐसा बायसनेस नहीं लेके चलना तुमको, प्रिडिक्टेबिलिटी लेके नहीं चलनी है तुमको। ओवरऑल कोशिश करना है कि मैं सबको इक्वल चांस दे पाऊँ, कोशिश करना है अंदर से, एक बायसनेस लेके नहीं चलना है। हैपजार्ड सिलेक्शन है क्योंकि तुम अपने हिसाब से करोगे। फॉर एग्जाम्पल अवॉइडिंग डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम्स और ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग द फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज ऑन अ पेज एंड दस अटेम्प्ट टू एंश्योर दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। सबका इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्शन का। हैपजार्ड सिलेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, नॉन स्टेटिस्टिकल है। स्टेटिस्टिकल में अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज कर सकते हैं। इसमें कहाँ करोगे, तुम अपने मन से हटा रहे हो। हैपजार्डली कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है इसकी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक इसकी हेडिंग नहीं आई है एक्चुअली, इसकी हेडिंग लिखो ये वाले की, ब्लॉक सैंपलिंग। और इसकी थी मॉनेटरी वैल्यू सैम, मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। मॉनेटरी यूनिट यही तो था नाम जहाँ तक, तो एक बार लिख के रखो, मैं कंफर्म करके बता देता हूँ, यही था जहाँ तक नाम, मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। और इसका था ब्लॉक सैंपलिंग। ब्लॉक सैंपलिंग मतलब क्या करना है, अब तुमको ब्लॉक वाइज बनाते जाना है। डेट इज मान लो ये तुम्हारे 250 ट्रांजेक्शन है, 250, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 250 तक ट्रांजेक्शन है, तो तुमको ब्लॉक ऑफ कंटिजियस आइटम बनाना है। ये ब्लॉक में तुम्हारे आ गए 21 से लेके 41 तक, सिमिलरली नेक्स्ट ब्लॉक में आ गए 101 से लेके 120 तक, एक लास्ट का एक ब्लॉक उठा लिए, समझ लो। और ब्लॉक में सारे का सैंपल करो, ब्लॉक में सबका सैंपलिंग कर दो, सैंपलिंग मतलब सबको चेक कर दो। तो इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक्स ऑफ कंटिजियस आइटम फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरीली बी यूज इन ऑडिट सैम्पलिंग बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर सच दैट आइटम्स इन अ सीक्वेंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ईच अदर बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आइटम एल्सवेयर इन द पॉपुलेशन। ये बोल रहा है कि ब्लॉक के कारण क्या होगा, जनरली ये आजू बाजू वाले जो आइटम है ना सबके सब तुम चेक कर लोगे, और आजू बाजू वाले आइटम का जनरली कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, लेकिन बाकी इससे कुछ अलग होगा। और यहाँ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है मान लो वो तो निकल ही, हट ही जाएगा, तुम्हारे सैम्पलिंग में आया ही नहीं यहाँ वाला या यहाँ वाला। इसीलिए ब्लॉक सैम्पलिंग करोगे ना तो हो सकता है तुम कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक, एक कैटेगरी ऑफ सैंपल जो होगा तुम्हारा पॉपुलेशन में से कोई एक कैटेगरी ऑफ सैंपल वो तुमसे सैम्पलिंग में छूट जाए। ब्लॉक सिलेक्शन में ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले आ गए, 101 से 120 वाले आ गए, लास्ट के 201 से 230 वाले भी आ गए मान लो, लेकिन ये जो बीच बीच वाले हैं उसमें हो सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग वाले हो और वो तुम्हारे छूट जाए। इसलिए ये जनरली प्रेफरेबल नहीं है ब्लॉक सैम्पलिंग, बिकॉज आइटम्स इन अ सीक्वेंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द पॉपुलेशन। ये यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ के हो सकते हैं कि अलग अलग हो, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि दोनों अलग अलग हो। इन सम सर्कमस्टेंसेज इट मे बी अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर टू एग्जामिन अ ब्लॉक ऑफ आइटम, इट वुड रेयरली बी एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक व्हेन द ऑडिटर इंटेंड्स टू ड्रॉ वैलिड रेफरेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन यूज्ड ऑन द सैंपल। मोटा माटी हमारा गलती यानी बुराइयां निकाल रहा है कि हो सकता है रेयर सर्कमस्टेंसेज में तुम चाहो तो यूज करो, लेकिन जनरली दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल ऑडिट सैम्पलिंग टेक्निक, जनरली नॉट प्रेफरेबल ऑडिट सैम्पलिंग टेक्निक बिकॉज इट डज नॉट लीड्स टू वैलिड इंफरेंसेस। इंफरेंसेस मतलब रिजल्ट जो तुम इंटरप्रेट वगैरह करोगे, रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स जो आएंगे तुम्हारे वो जनरली हो सकते हैं कि वैलिड ना आए। और मॉनिटरी यूनिट मतलब ऑलरेडी मैंने जैसे अपन ने देखा था सर्टिफिकेशन वाइज, यहाँ पे वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करना रहता है अपन को, कि जो ज्यादा मॉनिटरी वाइज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनिटरी वाइज उसमें हो सकता है तुम ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करो, और जो कम मॉनिटरी वाइज इंपॉर्टेंट है उसकी हो सकता है तुम सैम्पलिंग करो या ना करो। तो इन विथ सैम्पलिंग साइज सिलेक्शन एंड इवेल्यूशन रिजल्ट्स इन अ कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट्स। जो भी तुम्हारा कंक्लूजन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, प्रॉपरली सब चीजें मॉनिटरी यूनिट वाइज ही चलेगी, नंबर वाइज अपन को सोचना ही नहीं है, 250 हो, 1000 हो, जितने भी हो, मॉनिटरी वाइज चलना है। यहां तक ये तुम्हारे को समझ में आया क्या, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, पांचों के पांचों मेथड, मेथड्स टू सैंपलिंग। तो लास्ट क्वेश्चन में आएंगे अपन, पक्का? यस यस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेथड्स टू ऑडिट सैंपलिंग, कोई एक पे एमसीक्यू भी आ सकता है, कौन सा ऑडिट सैंपलिंग कब अप्रोप्रिएट है,
हैप्पेजार्ड सिलेक्शन क्या अप्रोप्रिएट है क्या स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में? नहीं आएगा। रैंडम सिलेक्शन कहाँ अप्रोप्रिएट है? जहां पे सिमिलर आइटम्स है, बहुत सारे सिमिलर यूनिट्स है, सारे के सारे सेम है, मैं एक ही टेबल बेचता हूँ, 10,000 की बेचता हूँ, वही वही बेचता हूँ मैं, और कुछ बेचता नहीं ज्यादातर, तो सेम सिमिलर आइटम है, मैं क्या कर सकता हूँ, रैंडम सिलेक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है। सिस्टमेटिक सिलेक्शन का एक केस सिनेरियो दे देगा, पूछेगा ये कौन सा सैम्पलिंग है, रैंडम है, सिस्टमेटिक है, हैपजार्ड है, या फिर मॉनिटरी यूनिट है, या फिर ब्लॉक है। ब्लॉक और सिस्टमेटिक में हो सकता है बाद में तुमको कंफ्यूजन हो जाए। ब्लॉक मतलब मैंने क्या बताया, एक ब्लॉक को उठाओगे पूरे ब्लॉक की ब्लॉक को चेक करोगे अच्छे से, और सिस्टमेटिक मतलब मैंने एक कोई उठाना है शुरू में से कोई भी हैपजार्डली उठाऊंगा, और सिस्टमेटिकली अब हर मैं सैम्पलिंग इंटरवल के बाद ही वो वाला उठाऊंगा, मतलब चौथा उठाया तो 54th ही उठाऊंगा, 104th ही उठाऊंगा, 154th ही उठाऊंगा, 204th ही उठाऊंगा, सिस्टमैटिक सिलेक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल दोनों बताने अपने को। देखो सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाओ, तुमको बताना है अब तुमको सैंपलिंग बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है कि इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल यू एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इन टू अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल्स। ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट बढ़ गया मान लो, इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इन टू अकाउंट अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल्स। सैंपलिंग बढ़ाओगे कि कम करोगे बताओ। हाँ श्रेया, बोलो बोलो। समझ में आ रहा है क्या? तुमको लग रहा है कि मेरा रिस्क असेसमेंट बढ़ गया है तो तुम सैंपलिंग ज्यादा करोगे कि कम करोगे? सिंपल सी बात है, देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या? ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट बताओ गरिमा, इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, तुम्हारा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ गया, क्या करूं मैं इसमें, सैंपलिंग ज्यादा करूं या कम कर सकता हूं? कम कर सकता हूं क्योंकि टॉलरेबल मेरा सहन शक्ति बढ़ गई है। इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, क्या करूं मैं इसमें, बताते जाओ फटाफट। मेरे को लग रहा है कि रेट ऑफ डेविएशन अब इससे ज्यादा हो गया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन जो है वो ज्यादा हो गया है, ज्यादा रेट ऑफ डेविएशन मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बढ़ गया है, सैंपल साइज बढ़ाऊंगा ना। एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। मेरा अश्योरेंस लेवल बढ़ चुका है कि मेरे को भाई ज्यादा अश्योरेंस चाहिए कि मेरा जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है उससे ज्यादा मेरा एक्चुअल डेविएशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये जो अश्योरेंस लेवल है ये मेरे को ज्यादा चाहिए, अगर तो मैं सैंपलिंग बढ़ाऊं कि कम करूं। सिमिलरली इसका भी तुम डिटरमाइन कर सकते हो सेम एज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एज वेल, सेम एक बार अप्लाई करना, हाथ रख के चेक करना तुम्हारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अपना ऐसे 530 यहाँ पे खत्म होता है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही है 500 की सीरीज में, बड़ा भी है थोड़ा और अच्छे से करना है इसको, आखिरी में छोड़ के नहीं जाना है। ऐसे 530 मोस्टली अपना कंप्लीट होता है, ऐसे 540 से स्टार्ट करेंगे अपन